birthday to you. Happy birthday to you. गए गए आ रहे भैया हेलो गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग भी बहुत ही खास इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी हम बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट आए हुए हैं आदर्श आनंद भैया से मिलने। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं इधर बहुत से सिंगर कलाकार आए हुए हैं। तो आज आदर्श भैया का सिस्टर का बर्थडे है, तो आज हम बर्थडे में शरीक होने आए हैं। और ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि आज हम आदर्श भैया के बहन के बर्थडे में आए हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं उधर पापा जी हैं और इधर दीदी है और इधर आदर्श भैया है और ये देखिए इधर केक रखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श आनंद भागलपुर बिहार से आ रही, हमारी बहन का बर्थडे है, तो विश कीजिए। और ये बर्थडे सवेरे सवेरे मनाया जा रहा है, मतलब ये कि भाई लोग लेकर आए हैं, सहरसा से आए हैं ये भाई लोग, तो जो हमारे चाहने वाले वो केक लेकर आए हैं उनके बर्थडे के। तो कहना चाहोगे? छोड़ो मत कहो, कहो 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 कैसे करते हैं। थैंक यू कि मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाया आप लोगों ने और आज इतना कीमती वक्त निकाल कर आप लोग मेरे बर्थडे में आए और मुझसे आज इतना बड़ा दिन सेलिब्रेट कर रहे हो मेरे साथ, तो थैंक यू सो मच। तो ये गलती कीजिए जल्दी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बस ज्यादा नहीं खिलाना, खिलाओ खिलाओ भैया अच्छा जरा हम चाहेंगे कि और भी कुछ मिमिक्री आप करके बताएं। जरूर कोशिश करते हैं, जैसे कि फिल्म गदर, अभी गदर भी चर्चा में ये मैं आज आपके ही कदर भी की जा रही है, गदर चर्चाओं में भी है, गदर 2 आने वाला है। तो गदर का जो वो सीन है लास्ट वाला, जो हमारे मौलवी साहब होते हैं वो उनको वेलकम करते हैं मस्जिद में, और हमारे जो सनी देवल पाजी है वो अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ खड़े रहते हैं, और हमारे जो सबसे काबिल कलाकार जो नहीं रहे हमारे साथ, हमारे अमरीश पुरी साहब, तो इन लोगों की आवाज़ जो है मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। पहले हमारे मौलवी साहब, वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह, आओ भाई बड़े इत्माव इत्तेकाद के साथ पाक मस्जिद पर कदम रखो, बहुत अच्छे। हमारे अमरीश पुरी साहब, एक मिनट काजी साहब, इससे पहले इसके पाक मस्जिद पर कदम पड़े, इससे पहले ये तो एतबार किया जाए ये पक्का मुसलमान बनने के काबिल है भी या नहीं। वाह क्या बात है, जा भाई तुम ही पूछ लो, ढेर होते यार बोल रहे हो। ये जाते हैं, कहो तुम इस्लाम कबूल है? काशी कावा एक है राम रहीम, तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? हर आदमी का मजहब होता है कि अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करना, तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? कबूल है। वाह भाई सुभान अल्लाह माशाल्लाह, आओ बड़े इत्तेमा और इत्तेकाद के साथ पाक मस्जिद पर कदम रखो। जाते उसी में हमारे अमरीश पुरी साहब, एक मिनट काजी साहब, मैंने आपको जो कहा वो सुनिए, हमको पूछने दीजिए, हम इसको कन्वर्ट किए, हमको पूछने दीजिए, ज्यादा काबिल मत बनिए, आप जाइए पूछिए, आप भी काबिले बन रहे हैं। ये आते हैं फिर आप पूछते हैं, कहो इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, अब कहो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अब कहो हिंदुस्तान मुर्दाबाद,
अर्शब अली, इस तरह से सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई इतराज नहीं। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। क्या बात है, चीर दूंगा, फाड़ूंगा, आपका हैंडपंप उखाड़ दूंगा। वाह।